हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा MIUI 9 की वो बैटरी सेविंग की मोड, जिसे यूज़ करके आप अपने बैटरी कंजम्पशन को रोक सकते हैं और उसकी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने अपना एक व्यू शेयर करने वाला हूँ MIUI 9 के बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। दोस्तों, आपको जैसे कि मैंने बताया था, इससे पहले रिव्यू दिया था अपने डिवाइस का, जिसमें मैंने अपना फ़ोन जो है MIUI 9 में अपडेट किया था। MIUI 9 में अपडेट करते ही मेरा डिवाइस जो है लेटेस्ट स्टॉक रोम जो है वो आसानी से फास्ट हो गया, और अभी भी मार्शमेलो में चल रहा है, इसमें नोगढ़ नहीं है। लेकिन एक फीचर जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा पसंद आया, जो है बैटरी का। अगर मैं अपने डिवाइस को, आपको बिलीव करना या नहीं ये आप पे है, लेकिन मैंने अपने फ़ोन को यूज़ करने का तरीका आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मैं डेली इसे रात तक यूज़ करता हूँ, और रात को लगा के छोड़ देता हूँ चार्जिंग पे, और सुबह फिर से उठाता हूँ, और फिर रात होते ही 9-10 बजे के आसपास मैं फिर चार्जिंग पे लगाता हूँ, और ऐसे ही ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आपके साथ मैं बैटरी का ओपिनियन शेयर करने जाता हूँ। ये चलते हैं सेटिंग्स पे, और यहाँ चलते हैं बैटरी पे, यहाँ पावर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी की स्कैनिंग पोजीशन। तो बैटरी यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं आइडियल ऐप्स और हार्डवेयर में कितना कितना यूज़ हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एंड्रॉयड जो है 14% यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड का सिस्टम जो है 7.4, क्रोम, इसी तरह से जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन हैं वो सब कितने परसेंट तक का बैटरी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही में हार्डवेयर में सबसे मेनली चीज़ जो है वो है स्क्रीन की। आइडियली मेरा फ़ोन जो है ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट रहता है, मेरे मी बैंड 2 के साथ, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लूटूथ का 0.0% आ रहा है, यानी ये उससे ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, बैटरी चार्ज नहीं करता है। तो इससे पहले जो था मेरा बैटरी का जो पोजीशन था वो, अगर आप ग्राफिकली स्टैटिस्टिक्स पूछेंगे तो वो आधा हो जाता था रात तक में, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। मैं इसमें यूट्यूब रेगुलर चलाता हूँ, गेम्स तो खेलता नहीं हूँ, गेम्स की परफॉर्मेंस के बारे में मैं कह नहीं सकता, गेम्स तो मैं बिल्कुल नहीं खेलता। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब ही प्ले करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर स्टूडियो, और अपने जितने भी छोटे मोटे बैंकिंग काम हो गए, इन सब के लिए मैं अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ। तो आइडियली अब जो है बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो रही है। तो वो कौन सा सीक्रेट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो यहाँ पे है। सीक्रेट कुछ इस तरह से है, आपको आना है बैटरी सेक्शन में, ठीक है। बैटरी सेक्शन में आते ही आपको जाना है मैनेज एप्स बैटरी यूसेज, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, सिनेरियोस पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ रहेगा स्लीप सेविंग मोड्स एक्टिवेट करने का, आप इसे टर्न ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा। इसमें ये एक ऐसा सेटिंग्स है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रेडिक्ट यूज़र स्लीप टाइम बाय मशीन लर्निंग। इसमें जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होंगे, या फिर NFC अगर आपके मोबाइल में है, ब्लूटूथ है, GPS है, डेटा है, या वाईफाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को जो है ना बैकग्राउंड में टर्मिनेट कर देगा, या फिर अपने फ़ोन को ऐसा महसूस कराएगा कि वो अभी काम करने की हालत में नहीं है। और मैंने देखा है ये इस एप्लीकेशन के मतलब चॉइस करने के बाद से, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद से, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके बाद हुआ ये है कि मुझे अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा आराम से रात तक बिना बेफिक्र होके ही हर एक चीज़ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, बैटरी बैकअप जो है काफ़ी अच्छा हो गया। और इवन मैंने टोरेंट जैसी चीज़ों को भी चलाने की कोशिश की तो ये बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं अटकता, नहीं फंसता, और बिना किसी इश्यूज़ के चलता है। आई होप आपको MIUI 9 के बैटरी परफॉर्मेंस की रिव्यू मिल गई होगी, और एक सीक्रेट सेटिंग जो कि इसमें पहले से ही दी है वो करके भी आप आसानी से अपने डिवाइस की स्पीड को और बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।